शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस ने लाठियां झटकाई हैं। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज का शिक्षकों का समान काम की वजह समान वेतन की मांग पर शिक्षक कर रहे थे। हालांकि समझाने की कोशिश की गई, नहीं मानने पर लाठियां फाने गई और देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन जारी था और पटना की सड़कों पर कुछ यूं कोहराम मचा रहा। 40 सूत्री मांगे थे शिक्षकों की और प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच बातचीत भी हुई लेकिन वार्ता विफल हो गई और पुलिस ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप रास्ता छोड़ दें लेकिन वे नहीं माने और अंततः पुलिस के साथ झड़प हो गई और पुलिस को लाठी भांगनी पड़ी। और धर्मेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, पुलिस ने लाठियां चटकाई हैं, तस्वीरें यहां तक पहुंच गई हैं, फिलहाल क्या चल रहा है? क्या अभी भी समझाने का प्रयास जारी है या भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है? जी, अभी तक इनका आंदोलन यहाँ जारी है। अभी लोग विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं, दोबारा निकले हैं, गेट से जमे हुए हैं। तो हजारों की संख्या में इनकी भीड़ यहाँ शिक्षकों की जमी हुई है। अपनी मांग को लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया, एक तरह से वाटर कैनन तो लगा के रखा है कि अगर शिक्षक ज्यादा उग्र होते हैं तो उन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद फिर से दोबारा उन पर लाठीचार्ज की जाएगी। मतलब पुलिस पूरी तरह से तैयार है, शिक्षक भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो भी हजारों की संख्या में गेट पे जमे हुए हैं, गेट को जोर जोर से चला रहे हैं, गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो